हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को समझेंगे। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन पूजा प्रार्थना एंड फाल्गुनी मंथली इनकम इज 53:7:70:57। इफ प्रार्थना एनुअल इनकम 4,20,000, व्हाट इज द सम ऑफ पूजा एंड फाल्गुनी एनुअल इनकम। ब्रैकेट में क्या लिखा है उन्होंने, इन सम केसेस मंथली इनकम एंड इन सम केसेस एनुअल इनकम इज यूज्ड। तो दोस्तों, ये जो लास्ट वाली लाइन लिखी है इन्होंने, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ही लिखी है। कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है इनका, क्योंकि जो रेशो है वो मंथली दी हुई है और जो इनकम है वो एनुअली दी हुई है। तो दोस्तों, रेशो तो मंथ तो सेम ही रहते हैं हर एक में, एक साल में। तो अगर पूजा के लिए 12 महीने एक साल में, तो प्रार्थना के लिए भी 12 महीने हैं और फाल्गुनी के लिए भी 12 महीने तो है। तो ये इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है कि मंथली है और ये एनुअली है। रेशो रेशो ही है, क्योंकि जो 12 मंथ है वो सबके लिए बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो प्रार्थना की एनुअल इनकम कितनी है, 4,20,000 है। प्रार्थना का रेशो कितना है, 70 है। तो हम देख लेंगे रेशो का कितना मल्टीप्लाई है, ये बेसिकली फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रार्थना की एनुअल इनकम 4,20,000 है और प्रार्थना का रेशो है 70, तो फैक्टर आ जाएगा इसका। फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई उसका, 70 का कितना, कितने से मल्टीप्लाई करने पे ये 4,20,000 बना, क्योंकि उतने से ही मल्टीप्लाई बाकी दोनों को करेंगे, क्योंकि ये रेशो में है सभी। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाता है 6,000 आ जाता है। 4,20,000 को 70 से डिवाइड करोगे तो ये 6,000 आ जाता है। तो अभी पूजा की कितनी हो जाएगी, पूजा की रेशो कितनी है दोस्तों, 53 है। 53 × 6,000, सिंपल है ना दोस्तों। हमने यही किया कि उसका रेशो था, प्रार्थना का 70 था और उसका एनुअल इनकम था 4,20,000। तो 70 का कितना मल्टीप्लाई था उसका इनकम, वो निकाला हमने। और जितना मल्टीप्लाई था कितना था, 6,000 मल्टीप्लाई था। 70 को अगर 6,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4,20,000 आ जाएगा। तो वो 6,000 की वैल्यू हमने निकाल ली। तो और पूजा और फाल्गुनी की जो रेशो है उनके साथ 6,000 को जब मल्टीप्लाई कर दिया तो पूजा का आ गया 3,18,000 और इसका फाल्गुनी का आ गया 3,42,000। और इन्होंने क्या बोला कि दोनों का प्लस कितना है, दोनों का सम कितना है, पूजा और फाल्गुनी का। तो पूजा और फाल्गुनी का दोनों का सम कर देते हैं और ये आ जाता है 6,60,000। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सिंपल था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।